पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग और बढ़ती महंगाई से जहां देश का आम आदमी परेशान है, तो वहीं इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर घेरने का काम कर रहा है। वहीं हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप बराड़ ने भाजपा को बेशर्म पार्टी बता दिया। आपको बता दें, अमरदीप बराड़ आज फतेहाबाद में पेट्रोल डीजल के बड़े रेट और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन पर मीडिया से बात करते हुए अमरदीप बराड़ ने कहा कि पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस राज में भाजपा के नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन कांग्रेस कपड़े उतार कर प्रदर्शन नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस सभ्य पार्टी है और कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद होती हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी असभ्य तरीके से प्रदर्शन करती, लेकिन कांग्रेस अनुशासन में रहकर ही अपना विरोध जताती है। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम कम है, लेकिन सरकार तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आम जनता की खून पसीने की कमाई कॉरपोरेट की जेब में डालने का काम कर रही है। बराड़ ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम सरकार तुरंत वापस ले और जनता को राहत दे। सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज के टाइम जो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, शतक मार चुकी हैं, और हमारे किसान भाई हैं जो उनको जो तीन काले कानून सरकार लेके आई है, जिनसे कि सारे देश का किसान दुखी है। सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और जो जनता पर पेट्रोल डीजल की मार सरकार ने मारी है, इनके प्राइस जल्द से जल्द कम किए जाएँ ताकि हमारे प्रदेश की देश की जनता को इस दुख का सामना करने में थोड़ी मदद मिले। वो तो बेशर्म पार्टी है जी, अब कपड़े थोड़ी उतार देंगे हमें, हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम हमारी पार्टी बड़ी सभ्य तरीके से प्रदर्शन करती है, जो लोगों के बीच में जाती है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, कपड़े उतारने से क्या हो जाएगा जी। वहीं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आज़ादी के बाद किसानों का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। किसान सरकार की नीतियों के कारण परेशान है और आज दुखी होकर किसान अपनी फसल नष्ट कर रहा है, क्योंकि किसान को लग रहा है कि उसकी फसल अंबानी और अडानी के गोदामों में चली जाएगी। इससे अच्छा है कि फसल को नष्ट कर दिया जाए। सरकार प्राइस नहीं वापस लेती तो ये जो आंदोलन है लगातार बढ़ता रहेगा सारे देश में, हर प्रदेश में। सड़कों पर कांग्रेस आएगी और सारी जनता हमारे साथ, आप देखिए भीड़ कितनी है, सारी जनता हमारे साथ है। हम जनता के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे सारे देश में और सरकार को अपने दोस्त अंडानी और अंबानियों को जो फायदा लाभ पहुँचाने की जो नीतियाँ जो लेके आए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग है कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले और किसानों को राहत दे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के साथ जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसको लेकर कांग्रेस आज लामबंद नजर आ रही है। फतेहाबाद के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस सह प्रदर्शन कर रही है। फतेहाबाद में लाल बत्ती चौक के ऊपर आज कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए सरकार के विरुद्ध यहाँ प्रदर्शन किया है और रोष मार्च भी निकाला है। फतेहाबाद के अंदर लाल बत्ती चौक के ऊपर जो है यहाँ एकत्र हुए कांग्रेसियों ने जमकर सरकार को आड़े हाथ लिया और सरकार से कहा है कि तुरंत प्रभाव से जो है ये बढ़ती जो दाम है पेट्रोलियम पदार्थों के वापस लिए जाएँ, अन्यथा जो कांग्रेस है वो आगे भी इस तरह से प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने आज सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं सर कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और आम जनता पर जिस प्रकार से आज महंगाई की मार पड़ रही है वो आने वाले वक्त के अंदर जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता।